गुड मॉर्निंग स्टूडेंट नाउ टूडेज़ वीडियो लेक्चर हियर वी डिस्कस दी फ्लो कंट्रोल इन टी सी पी ठीक है सो फ्लो कंट्रोल बेसिकली मीन्स दैट टी सी पी विल एंश्योर दैट सेंडर इज नॉट ओवर अ रिसीवर बाय सेंडिंग पैकेट फास्टर दैन इट कैन कंज्यूम इसका मतलब क्या होता है कि सेंडर यहाँ पे पहले हम अगर हम वाया टी सी पी के थ्रू अगर हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेंडर की कि रिसीवर की कैपेसिटी कितनी है डेटा रिसीव करने की वो फाइन करना ठीक है और उतने ही स्पीड से उसे डेटा सेंड करना है सो टी सी पी विल सेंड दैट सेंडर इज नॉट ओवरलेमिंग अ रिसीवर बाय सेंडिंग पैकेट फास्टर दैन इट कैन कंज्यूम ठीक है यानी सेंडर ने जो डेटा सेंड करने वाला है जो पैकेट सेंड करने वाला है वो रिसीवर की जो स्पीड है रिसीवर का जो साइज़ है रिसीविंग विंडो साइज जो होता है उस बेसिस पे पैकेट सेंड करना चाहिए ठीक है अगर रिसीवर की कैपेसिटी अगर फिफ्टीन uh, हंड्रेड बाइट्स का डेटा रिसीव करने की है लेकिन आप बहुत फास्टर डेटा सेंड कर रहे हो आप सपोज़ टू थाउजेंड बाइट्स का डेटा सेंड करो एट अ टाइम पे ठीक है मतलब आपने फर्स्ट सेगमेंट सेंड किया फिर फर्स्ट सेगमेंट का रिस्पांस आने के पहले से अगर आपने सेकंड सेंड कर दिया थर्ड कर दिया फोर्थ कर दिया ठीक है तो इसके कारण क्या हो जाएगा कि एक तो रिसीवर ओवरफ्लो हो जाएगा रिसीवर की जो कैपेसिटी है डेटा रिसीव करने की उसका जो बफर है वो ओवरफ्लो हो जाएगा एज वेल एज उसके आ, मतलब सडनली एट अ टाइम बहुत सारे उसके पास अगर डेटा आता है तो वो क्या हो जाएगा वो आ, क्या बोल सकते हैं उसको कि वो बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगा उसको पर्टिकुलर ठीक है एज वेल एज पैकेट लॉस हो जाएंगे ठीक है तो इसके लिए रिसीवर की कितनी कैपेसिटी है कितना वो डेटा एक्सेप्ट कर सकता है ठीक है उतना ही डेटा हमें सेंडर ने यहाँ पे सेंड करना है सो so, यहाँ पे टीसीपी के थ्रू अगर हम डेटा ट्रांसमिशन करते हैं तो टीसीपी विल इंश्योर दैट सेंडर नॉट ओवरलेमिंग अ रिसीवर ठीक है सेंडर ने ओवरलोड नहीं करना चाहिए रिसीवर को बाय सेंडिंग अ पैकेट ठीक है यानी कंटिन्यू बहुत सारे पैकेट ना सेंड करते हुए उसने पहले फाइन करना है कि रिसीवर कितना डेटा एक्सेप्ट कर सकता है की कैपेसिटी कितनी है और उतना ही उसने डेटा सेंड करना चाहिए ठीक है अगर आपको कैपेसिटी पता नहीं रहेगी तो आप क्या करोगे आपको तो डेटा सेंड करना है ना आपने एक फाइल सेंड किया सेकेंड फाइल सेंड किया फाइल सेंड ही करते जा रहे हो डेटा सेंड ही सेंड करते जा रहे हो उससे क्या हो जाएगा कि रिसीवर तो डेटा रिसीवर के साइड में तो बहुत सारा डेटा लॉस हो जाएगा ठीक है उसका बफर भी फुल हो जाएगा और उसका एक्नोलिजमेंट आने के पहले ही आप बहुत सारा डेटा सेंड कर रहे हो ठीक है तो ऐसा नहीं होना चाहिए सो फॉर दैट यर वी यूज़ द फ्लो कंट्रोल मैकेनिज़्म इन टीसीपी कि पहले आप तो आ, क्या करो कि रिसीवर की कैपेसिटी कितनी है डेटा रिसीव करने की वो फाइंड करो और उत... इतना ही डेटा आपको एक प्रॉपर स्पीड से कितने स्पीड में डेटा रिसीव कर सकता है ठीक है अगर रिसीवर स्लो है और सेंडर बहुत फास्ट है तो सेंडर क्या करेगा फास्टली डेटा सेंड करेगा लेकिन रिसीवर उसको रिसीव करने में तो उसको टाइम लग रहा है ना क्योंकि वो स्लो है ठीक है और रिसीव करने की उसकी कैपेसिटी अगर हंड्रेड बाइट्स की है और सेंडर उसको पर्टिकुलर टू हंड्रेड बाइट से डेटा स्पीडली डेटा सेंड कर रहा है तो क्या हो जाएगा इसका कारण वही होगा कि पैकेट लॉस हो जाएंगे क्योंकि रिसीवर उतने स्पीडली डेटा रिसीव नहीं कर पा रहा है ठीक है तो इसलिए टी के थ्रू यहाँ पे हम क्या परफॉर्म करने वाले कि फ्लो को कंट्रोल करने वाले कि स्पीडली डेटा ट्रांसफर ना होते एक प्रॉपर एक स्पीड मेंटेन होनी चाहिए जिसमें जिसके थ्रू रिसीवर उस डेटा को रिसीव कर सके एज वेल एज़ उसका बफर में वो डेटा स्टोर भी कर सके ठीक है सो फ्लो कंट्रोल में क्या होता है पर्टिकुलर कि हियर वी फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ द रिसीवर रिसीवर की कैपेसिटी डेटा रिसीव करने की उतना ही डेटा उतने ही स्पीड में डेटा सेंडर ने सेंड करना है सो so, ये टी सी ये सारी बातें को एश्योर करता है ठीक है देन द आइडिया इज दैट नोट रिसीविंग डेटा विल सेंड सम काइंड ऑफ फीडबैक टू द नोट सेंडिंग द डेटा टू लेट इट नो अबाउट इट करेंट कंडीशन इसका मतलब क्या आता है कि जब आप जब भी आप टीसीपी के थ्रू कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हो सो एट दैट टाइम जो भी सेंडर जो भी नोट डेटा सेंड करती है अनादर नोट को यानी रिसीवर को तो हमेशा क्या होता है रिसीविंग सिस्टम क्या करती है एक्नोलेजमेंट सेंड करती है ठीक है तो इनका मतलब यही है कि आप कंटिन्यूस डेटा सेंड ना करते हो जब तक आपने पहला सेगमेंट सेंड किया है उसका जब तक एक्नोलेजमेंट नहीं आता है तब तक आप सेकेंड डेटा को सेंड ना करो क्योंकि आप जब उसको एक्नॉलेज आपको मिलेगा तभी तो आप आइडेंटिफाई होगा ना तभी तो आपको श्योरिटी होगी कि हाँ मैंने जो पहला पैकेट भेजा था जो पहले सेगमेंट भेजा था वो उसको मिल गया है ठीक है तो जब भी आप टी के थ्रू कम्युनिकेशन करते हो तो ये रिलायबल प्रोटोकॉल है जिसमें क्या होता है कि एक्नोलेजमेंट सेंड करता है ठीक है तो जिसके कारण मुझे पता चल जाएगा और हर एक से हर एक सेगमेंट में हर एक एक्नोलेजमेंट सेगमेंट जो होती है उसमें वो अपना विंडो साइज को भी एडवर्टाइज़ करता है कि आपने मुझे पैक पैकेट मिला था भेजा था वो मुझे मिल गया है अब वो मैंने उसने अपने बफर में स्टोर किया है अब अभी मेरी विंडो साइज़ में इतनी जगह रिमेनिंग है तो आप मुझे इतना डेटा सेंड कर सकते हो यानी हर एक एक्नोलिजमेंट सेगमेंट के साथ वो अपना विंडो साइज़ को भी एडवर्टाइज़ करता है कि मेरी अभी इतनी कैपेसिटी है डेटा रिसीव करने की तो आप मुझे इतना ही डेटा सेंड करो जिसके कारण क्या हो जाएगा कि फ्लो कंट्रोल मेंटेन रहेगा ठीक है तो यहाँ पे जो मैंने बताया है मेथड कि यहाँ पे स्टॉप एंड फ्लो कंट्रोल तो आपको पहले एक्नोलेजमेंट आने तक आपको क्या करना है स्टॉप करना है ठीक है जिसके कारण क्या हो जाएगा आपका एक फ्लो प्रॉपर कंट्रोल में रहेगा आपका फ्लो एक प्रॉपर मेंटेन रहेगा ठीक है सो नथिंग बट द फ्लो कंट्रोल टूर टू पहले तो रिसीवर की कैपेसिटी क्या है वो फाइंड करो उसको वो कितना स्पीडली डेटा रिसीव कर सकता है वो फाइंड करो एट दैट टाइम यू कैन सेंड द डेटा ठीक है और हर एक डेटा सेंड करने के बाद हर एक सेगमेंट सेंड करने के बाद वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट ठीक है जब तक उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आता तब तक आप दूसरा डेटा सेंड मत करो ठीक है ताकि हमें पता चल सके कि मैंने जो पैकेट भेजा था वो कहीं लॉस नहीं हुआ है नेटवर्क में ड्रॉप नहीं हुआ वो प्रॉपरली रिसीवर को मिल गया है तो यहाँ पर एक्नोलेजमेंट इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टी किसी भी जो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है सो so इसमें इट इज़ द बेस्ड ऑफ द इंटरनेट इट इज़ द बैकबोन ऑफ द इंटरनेट जो टी सी पी बोलते हैं हम इट इज़ द बैकबोन ऑफ इंटरनेट बिकॉज दैट इट इज़ द इट इट गिव द रिसिप्ट ऑफ ईच एंड एवरी प्रोसेस आप जो भी डेटा सेंड करते उसको हमें वो टेक्नोलॉजी के फॉर्मेट पर रिसिप्ट प्रोवाइड करता है ठीक है सो इन दिस वे हम क्या कर सकते हैं फ्लो को भी कंट्रोल कर सकते हैं कंजेशन भी कंट्रोल होता है टी सी बी में एज वेल एज एयर भी कंट्रोल होता है क्योंकि इसमें एक प्रॉपर मेकेनिजम से एक प्रॉपर वे से डेटा को ट्रांसफर किया जाता है और एज वेल उसका एक एक्नोलेजमेंट बुक भी मेनटेन किया जाता है ठीक है ना सो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि हियर वी हाँ सो हियर वी नीड टू सेंड डेटा ओवर नेटवर्क दिस नॉर्मली वॉट हैपन क्या होता है कि जब भी हम डेटा सेंड करते हैं जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो ठीक है सो यहाँ पे जो है अप्लीकेशन लेयर अप्लीकेशन लेयर से जो डेटा है कहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलरली ट्रांसपोर्ट लेयर पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे, पे यानी अप्लीकेशन लेयर ने एक डेटा क्रिएट किया है ठीक है ये जो भी डेटा उसको सेंड करना है रिसीवर को मतलब ये सेंडर साइड है और दूसरा जो है साइड है दो साइड है क्लाइंट एंड सर्वर ठीक है सेंडर साइड एंड रिसीवर साइड तो जो भी डेटा रहेगा एप्लीकेशन लेयर से कहाँ पे आ जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आ जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर में का जो टी प्रोटोकॉल है उस वो डेटा को हैंडल करेगा ठीक है फिर वो डेटा को क्या करेगा अपने नीचे के लेयर में ट्रांसफर कर देगा मतलब उसको सेगमेंटिंग करेगा फिर से उसको एक पैकेट में प्रॉपर इन्वेलप करेगा हेडर लगाएगा अपना और नेटवर्क लेयर को ट्रांसफर कर देगा ठीक है देन उसके बाद नेटवर्क लेयर क्या करेगा नेटवर्क लेयर भी अपना एक हेडर लगाएगा उसके ऊपर उस डेटा के ऊपर और उसको और फाइंड करेगा कि बेस्ट रूट क्या है क्योंकि नेटवर्क लेयर का वर्क क्या होता है टू फाइंड द रूट टू फाइंड द रूट टू ट्रांसफर्ट द डेटा ठीक है तो बेस्ट रूट क्या है या शॉर्टेस्ट रूट क्या है वो फाइंड करेगा और उसके थ्रू वायर लिंक के थ्रू वो क्या करेगा रिसीवर सिस्टम को डेटा को ट्रांसफर करवा के देगा ठीक है सो ट्रांसफर करवाने के बाद भी क्या हो जाएगा डेटा पहले नेटवर्क लेयर के पास जाएगा जैसे आप देख सकते हो डायग्राम में नेटवर्क लेयर के पास डेटा जाने के बाद वो डेटा जो रहेगा वो किसके पास जाएगा टीसीपी के पास जाएगा तो टीसीपी क्या करेगा उसको डिकैप्सुलेट करेगा डिकैप्सुलेट करेगा यानी अपना हेडर निकालेगा मतलब जो हेडर लगाया था उसके ऊपर नेटवर्क लेयर ने नेटवर्क लेयर का हेडर निकाला टी ट्रांसपोर्ट लेयर ने यानी उसके टीसीपी प्रोटोकॉल ने क्या करेगा क्योंकि देखो कैसा होता है कि जब भी अपलीकेशन लेयर से डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आता है ट्रांसपोर्ट लेयर का जो प्रोटोकॉल होता है टी जिसका टी सी पी वो अपना हेडर लगाता है ठीक है अपना हेडर लगाने के बाद वो नेटवर्क लेयर के पास भेजता है नेटवर्क लेयर उसके ऊपर अपना हेडर लगाता है जिसपे सोर्स आई पी एड्रेस डेस्टिनेशन आई पी एड्रेस होता है और फिर वायर लिंक के थ्रू वो रिसीवर सिस्टम में जाता है तो रिसीविंग सिस्टम में भी वो सारी लेयर्स फॉलो होती है जो सेंडिंग सिस्टम में होती है तो जैसे भी डेटा नेटवर्क लेयर के पास जाएगा तो नेटवर्क लेयर क्या करेगा जो नेटवर्क लेयर का जो हेडर लगाया था उसको डिकैप्सुलेट करेगा ठीक है फिर वो डेटा डिकैप्सुलर करने के बाद उसको पता चलेगा कि हाँ ये तो मुझे ट्रांसपोर्ट लेयर के पास भेजना है तो वो क्या करेगा टीसीपी प्रोटोकॉल के पास भेजेगा टीसीपी प्रोटोकॉल के पास भेजने के बाद वो जी जो सर्वर साइड सेंटर साइड ने जो अपना हेडर लगाया था उसको वो टी प्रोटोकॉल क्या करेगा डिकैप्सुलेट करेगा और जो भी सेगमेंट रहेगा जो भी पैकेट रहेगा वो फर्दर प्रोसेस को यानी एप्लीकेशन लेयर टू रिसीवर को ट्रांसफ़र किया जाएगा ठीक है तो ये एक्चुअल प्रोसेस होता है सो द सेंडर अप्लीकेशन राइट्स ट्राई राइड्स डेटा टू सॉकेट ठीक है अप्लीकेशन लेयर जो होता है वो डेटा कहाँ पर लिखा जाता है सॉकेट में सॉकेट इज़ नथिंग बट एक सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट होता है एट एक्ट एज एंड पॉइंट बाय डायरेक्शन कम्युनिकेशन एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं ठीक है सो इट इज़ कॉल एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए हम सॉकेट का यूज़ करते हैं ठीक है थीके? एट इज़ इन पॉइंट कम्युनिकेशन मीन्स वॉट सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड का अगर मुझे कम्युनिकेशन परफॉर्म करना है सो ईर वी यूज़ द सॉकेट। इट इज अ सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट दैट कैन बी यूज एक्ट एज अ इन पॉइंट कम्युनिकेशन दैट एस्टैब्लिशिंग द बाय डायरेशनल नेटवर्क कम्युनिकेशन ठीक है वो जो बाय डायरेशनल कम्युनिकेशन परफॉर्म करता है बिटवीन दें सेंटर साइड एंड द रिसीवर साइड में तो वही बताया हमने दट सेंटर अप्लीकेशन ट्राइज डेटा टू सॉकेट वो कहाँ पे डेटा ट्राई कर राइट करेगा सॉकेट में लिखेगा देन ट्रांसपोर्ट लेयर इन अवर केस टी सी पी ट्रांसपोर्ट लेयर में हम क्या यूज़ कर रहे हैं टी सी पी प्रोटोकॉल का यूज़ कर रहे हैं ठीक है विल रैप द डेटा इन टू अ सेगमेंट ठीक है अब जै क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है कि जब भी कोई डेटा आता है तो उसको क्या करता है सेगमेंटिंग करते हैं क्योंकि अब वो लेयर जो होती है वो सिंपली बाइट्स को वो क्या करते हैं सेंड करती है अप्लीकेशन लेर कंटिन्यू बाइट्स को सेंड करेगा लेकिन वो हर एक बाइट्स का चंग बना के उसका एक बंच बना के उसका सेगमेंटिंग करने का काम उस सेगमेंट को सिक्वेंस नंबर लगाने का काम ठीक है और उसको एक पैकेट में इन्वोल्व करने का काम या उसको एक हेडर में इन्वॉल्व करने का काम ये कौन करता है सारा ये टी करता है ठीक है तो क्या करेगा टीसीपी यहाँ पे कि वो जो भी डेटा आता है ऊपर ले ऊपर की लेयर यानी अप्लीकेशन लेयर से उसको रैप करेगा एट इज इन टू द सेगमेंट एंड हैंड इट टू द नेटवर्क लेयर नेटवर्क लेयर के आईपी प्रोटोकॉल को वो हैंडल करेगा दैट विल सम हाउ रूट दिस पैकेट टू द रिसीविंग नोड और नेटवर्क लेयर क्या करेगा जैसे मैंने अभी आपको बताया था डायग्राम में कि वो रूट फाइंड करेगा कि, कि किस रूट से मैं उस डेटा को रिसीविंग सिस्टम के पास सेंड कर सकता हूँ ठीक है ऑन द ऑन द अदर साइड ऑफ कम्युनिकेशन द नेटवर्क लेयर विल डिलीवर दिस पीस ऑफ डेटा टू द टी सी पी नेटवर्क लेयर क्या करेगी अदर साइड यानी रिसीविंग साइड में बाय लिंक टू लिंक नेटवर्क लेयर के पास जाएगा नेटवर्क लेयर उसको टी सी बी के पास ट्रांसफर करेगा विट टी सी पी दैट विल मेक इट अवेलेबल टू द रिसीवर अप्लीकेशन एज एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द डेटा सेंड ठीक है तो वो क्या हो जाएगा कॉपी उसके पास रिसीव हो जाएगा ठीक है सो द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डेटा सेंड मीन दैट इट विल नॉट बी डिलीवर पैकेट आउट ऑफ ऑर्डर ठीक है मतलब आउट ऑफ ऑर्डर हुआ है कि डिलीवर नहीं एंड इट विल वेट फॉर रिट्रांसमिशन इन केस नोटिस गैप इन द बाइट स्ट्रीम ठीक है अगर मेरा पैकेट लॉस हो जाता है तो वो क्या करेगा तो वो क्या करता है सर्वर क्या कर, रिसीव आ, सेंडर क्या करेगा इट इज वेट ठीक है मतलब उनके तरफ से कुछ एक्नोलेजमेंट आता है क्या अगर एक्नोलेजमेंट नहीं आ रहा है कि भैया मुझे आपका पैकेट मिल गया ऐसा एक्नोलॉजमेंट अगर नहीं आता है तो वो क्या इजूम करेगा कि मैंने जो पैकेट सेंड किया था वो लॉस हो गया है या पर्टिकुलर सेंडर रिसीविंग सिस्टम को नहीं मिला है तो वो क्या करेगा रिट्रांसमिशन रे परफॉर्म करेगा ठीक है सो इस तरह से क्या होता है कि हम पर्टिकुलर पैकेट को सेंड करते हैं ठीक है थीके? या एक सिचुएशन ऐसी भी होती है कि सपोज अगर हमने पहले से पैकेट पहले कोई एक पैकेट भेजा है ठीक है और रिसीवर को लगता है कि ये वो पैकेट नहीं है या उसको लगता है कि समथिंग मिस्टेक इज़ दैट ठीक है तो वो क्या कर रहा है एक्नोलॉजमेंट अगर सेंड नहीं करता है सेंडर को तो सेंडर को क्या अजीम होगा कि अरे एक्नोलॉजमेंट नहीं आया है मुझे इस पैकेट का तो वो क्या करेगा कि वो रिट्रांसमिशन करेगा पैकेट को ठीक है रिट्रांसमिशन जब पैकेट को करता है तो उसको वो क्या लगाता है हर एक पैकेट को हर एक सेगमेंट को क्या असाइन करता है सिक्वेंस नंबर ठीक है तो जब वो पैकेट सेंड करेगा मतलब ऑलरेडी रिसीवर ने पैकेट रिसीव किया है लेकिन उसने एक्नोलेजमेंट सेंड नहीं किया है कि मुझे आपका पैकेट मिला था ठीक है जिसके कारण क्या हो जाएगा कि सेंडर को लग रहा है कि मैंने जो पैकेट सेंड किया था वो रिसीवर को मिला ही नहीं है तो वो रिट्रांसमिट करेगा रिट्रांसमिट करने के बाद जब फिर से पैकेट वही पैकेट सेंडर रिसीवर के पास जाएगा और रिसीवर चेक करेगा अरे ये तो वही पैकेट है क्योंकि इसका सिक्वेस्ट नंबर इसका सिक्वेस्ट नंबर सेम है ठीक है तो एट दैट टाइम हियर वी से दैट कि पैकेट आउट ऑफ ऑर्डर नहीं हुआ है यानी जो पैकेट मुझे सेंडर ने पहले सेंड किया था ये वही पैकेट है इसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं है कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ है देन आफ्टर दैट रिसीवर सेंड द एक्नोलॉजमेंट टू सेंडर मतलब ऐसा भी होता है कि अगर आप एक्नोलॉजमेंट सेंड नहीं करोगे तो रिसीवर सेंड uh, मतलब रिसीवर अगर एक्नोलॉजमेंट सेंड नहीं करता है सेंडर को तो क्या होता है सेंडर उसको रिट्रांसमिट करता है ठीक है सो इन दिस वे द कम्युनिकेशन परफॉर्म बिटवीन द सेंडिंग साइड एंड रिसीविंग साइड ठीक है सो जब भी वो सेगमेंट सेंड करता है सेंडर टू रिसीवर या रिसीवर टू सेंडर जब एक्नोलॉजमेंट आता है तो हमेशा क्या करता है वो पर्टिकुलर अपने विंडो साइज को भी एडवर्टाइज करता है ठीक है सो जैसे अब यहाँ पे देखो इफ यू जूम वी सी समथिंग लाइक द लाइक दिस

रिसीवर जो होता है वो हमेशा क्या करता है जब भी सेगमेंट सेंड करता है मतलब एक्नोलिजमेंट सेंड करता है या सेंडर भी बोलो जब भी कोई सेगमेंट सेंड करता है तो वो हमेशा अपने विंडो साइज को एडवर्टाइज़ करता है ठीक है जैसे मैंने आपको कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट बताया था कि आइदर सेंडर हो या रिसीवर हो वो हमेशा क्या, क्या करते जब भी अपने सेगमेंट सेंड करते वो अपने विंडो साइज को एडवर्टाइज़ करते जिसके कारण मुझे पता चल सकता है कि आगे वाली पार्टी की कैपेसिटी कितनी है मैं उतना ही डेटा सेंड ये इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फ़्लो कंट्रोल जब भी हम फ्लो कंट्रोल की बात करते हैं इन द टीसीपी तो विंडो साइज़ रिसीविंग विंडो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल क्योंकि अगर आपको उसका विंडो साइज ही नहीं पता है उसका बफर क्योंकि सेंडर साइड पर भी बफर होता है रिसीवर साइज पर भी क्या होता है बफर होता है ठीक है सो बफर इज नथिंग बट अ स्टोरिंग द डेटा तो वो कितना डेटा स्टोर कर सकता है उसकी कैपेसिटी कितनी है जब तक ये पट पत, पता नहीं रहेगा सेंडर को तब तक वो डेटा सेंड करते ही जाएगा करते ही जाएगा ठीक है क्योंकि उसको पता ही नहीं ना लेकिन अगर उसको पता चल जाता है कि रिसीविंग की बफर स्टोरेज कैपेसिटी अगर इतनी है तो मुझे इतना ही डेटा सेंड करना है सो इन द फ्लो कंट्रोल रिसीविंग विंडो दैट इज़ नथिंग बट अ बफर साइज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ठीक है सो so, द टी सी पी स्टोर द डेटा इट नीड्स टू सेंड इन द देंड बफर ठीक है अब जो भी अप्लीकेशन लेयर डेटा सेंड करती है तो वो टी सी पी ट्रांसपोर्ट लेयर में जो हमारा टी सी प्रोटोकॉल होता है वो सेंडिंग साइड बोलूँ या रिसीविंग साइड उसके पास एक बफर होता है ठीक है बफर क्या होता है फॉर स्टोरिंग द डेटा कि जो भी डेटा आएगा अप्लीकेशन लेयर से वो हम यहाँ पे बफर में स्टोर करेंगे और रिसीविंग साइड पे क्या होता है स्टोर बफर क्या होता है कि जो भी डेटा मेरे मुझे सेंडर देगा भेजेगा सोर्स so, सिस्टम भेजेगी मैं उसे डेटा को कहाँ पे स्टोर करना है मुझे मेरे रिसीविंग साइड के बफर में स्टोर करना है ताकि मैं वहाँ पे स्टोर करके अप्लीकेशन लेयर को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए सेंड कर सकूँ सो द टी सी पी स्टोर द डेटा इट नीड्स टू सेंड इन द सेंडिंग बफर तो वो कहाँ पे डेटा स्टोर करता है सेंडिंग बफर में एंड द डेटा इट रिसीव इन द रिसीव बफर ठीक है और जो रिसीविंग साइड में जो हमारा टीसीपी होता है वो डेटा को रिसीव कहाँ पे करता है रिसीव बफर में व्हेन द एप्लीकेशन इज रेडी इट विल इट विल देन रीड डेटा फ्रॉम द रिस्यूवर ठीक है जब अप्लीकेशन प्रोसेस अभी एक्टिव मोशन एक्टिव मोड में है या वो डेटा रिसीव मतलब रीड करना चाहती है तो वो क्या करेगा उस बफर से डेटा को फेच करेगा या डेटा उसको लेगा और वो क्या करेगा उसको रीड करेगा तो यानी डेटा हम कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं अपने बफर में स्टोर कर जब भी जब कभी अप्लीकेशन लेयर फ्री रहेगी जब उसको डेटा चाहिएगा तो वो वहाँ से डेटा को कंज्यूम करेगा और उसको रीड करेगा ठीक है सो दिस इज़ नथिंग बट अ बफर कि बफर प्लेज एन वेरी इम्पॉर्टेंट रोल बफर इज नथिंग बट ड वी कैन से दट ड कि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को मैंशन करता है कि इसकी सेंडर की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है जो भी डेटा आएगा अप्लीकेशन लेयर से वो अपने बफर में स्टोर करेगा उसी तरह से रिसिविंग साइड में भी क्या होता है किसी भी का रिसीविंग बफर होता है जो भी सेंडर डेटा सेंड करता है वो अपने बफर में स्टोर करता है ठीक है ताकि वो डेटा हम फर्दर प्रोसेसिंग के लिए अप्लीकेशन लेयर को सेंड कर, कर सके या अप्लीकेशन लेयर उसको रीड कर सके देन टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ डेटा द टीसीपी कैन सेंड अ रिसीवर विद एडवर्टाइज रिसीव विंडो दैट इज पेयर रूम फॉर दर रिसीव बफर जैसे मैंने अभी आपको बताया था रिसीविंग विंडो का जो रोल होता है इन द फ्लो कंट्रोल इज नथिंग बट द उसका कैपेसिटी जैसे यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो टीसीपी रिसीव बफर मतलब ये जो मैंने बफर का डायग्राम बताया था ना टीसीपी रिसीव बफर वही है बफर इज नथिंग बट द विंडो साइज की पर्टिकुलर कैपेसिटी कितनी है डेटा रिसीव करने की इसको बोलते हैं आर डब्ल्यू एन डी रिवाइन एवरी टाइम TCP receive a packet, it पैकेट इट send acknowledge सेंड to the टू द सेंडर अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी जब भी हम टी के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं या जो भी हम डेटा एक्सचेंज करें बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर इन वायर टी तो वो हमेशा क्या होता है एक्नॉलेजमेंट सेंड किया जाता है वही बताया कि एवरी टाइम TCP रिसीव अ पैकेट जब कभी भी टी पैकेट को रिसीव करता है तो क्या करता है सेंड एक्नोलेजमेंट टू तो द सेंडर ठीक है वो जहाँ से मुझे डेटा मिला है उस सिस्टम को उस सेंडर सिस्टम को एक्नोलॉजमेंट सेंड करता है एक्नोलॉजिंग इट रिसीव दैट पैकेट करेक्टली एक्नोलॉजमेंट का मीनिंग क्या होता है कि हाँ पैकेट मेरा जो पैकेट है वो रिसीवर को प्रॉपर्ली मिल गया है वही बताया था एक्नोलॉजमेंट कि आपने जो मुझे पैकेट सेंड किया था वो मुझे प्रॉपर्ली मिल गया है एंड विथ दिस एक्नोलॉज मैसेज इट सेंड द वैल्यू ऑफ द करंट रिसीविंग विंडो जो मैंने आपको बताया अभी था कि जो मैंने कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट भी बताया था कि जब भी हम सेगमेंट सेंड करते हैं जब भी हम पैकेट सेंड करते हैं सो एट दैट टाइम वो क्या करता है अपना विंडो साइज़ को भी एडवर्टाइज़ करता है अब जैसे रिसीवर ने यहाँ पर एक्नोलेजमेंट का मैसेज सेंड किया सेंडर को तो उसने अपना विंडो साइज़ भी बताया है कि मेरा विंडो साइज इतना है मेरी कैपेसिटी इतनी है आप मुझे इतना ही डेटा सेंड करना सो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल विंडो साइज का इतना इंपॉर्टेंट रोल है जिसके थ्रू हम फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं डेटा लॉस भी नहीं होगा एक प्रॉपर स्पीड में ट्रांसफर होगा पैकेट को हमें मोस्ट ऑफ द टाइम रिट्रांसमिशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है ठीक है द सेंडर नो इट स्कीप द सेंडिंग डेटा तो उस बेसिस पे वो सेंडर डिसाइड करता है कि अरे विंडो विंडोइंग कैपेसिटी रिसीवर की इतनी है तो मुझे इतना ही डेटा सेंड करना है ज़्यादा सेंड करना नहीं अगर मैं स्पीडली बहुत डेटा सेंड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा डेटा जो हमने सेंड किया है एक तो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा लॉस हो जाएगा पैकेट लॉस हो जाएगा ठीक है so, सो इसलिए विंडो साइज अगर एडवर्टाइज की जाती है तो उस उतने बेसिस पे ही हम डेटा को क्या कर सकते हैं सेंड कर सकते हैं अब ये देखो यहाँ पे एक सिंपल बताया है कि होल प्रोसेस की फ्लो कंट्रोल टी में कैसे होता है तो यहाँ पे देखो इन कम्युनिकेशन एड ट्रांसपोर्ट लेयर डील विद द यहाँ पे फोर एंट्रीज है एक सेंडर प्रोसेस है ठीक है सेंडर ट्रांसपोर्ट लेयर है दे रिसीविंग प्रोसेस है मतलब रिसीवर साइड में रिसीविंग प्रोसेस है ठीक है जिसमें हम ट्रांसपोर्ट लेयर का डिस्ट्री ट्रांसपोर्ट लेयर का यूज करने वाले हैं ठीक है अब यहाँ पे देखो अब सेंडिंग प्रोसेस में देखो सेंडिंग प्रोसेस द अपलीकेशन लेयर ओनली अ प्रोड्यूसर सेंडिंग प्रोसेस यानी सेंडर साइड पर जो अप्लीकेशन लेयर का काम होता है वो क्या करता है सिंपली डेटा को प्रोड्यूस कर रहा है बाय अब डिफरेंट प्रोटोकॉल के थ्रू वो क्या कर रहा है डेटा को प्रोड्यूस कर रहा है और जो डेटा प्रोड्यूस कर रहा है वो सेंड कर रहा है टू द ट्रांसपोर्ट लेयर को तो यहाँ पे अप्लीकेशन लेयर में अप्लीकेशन लेयर वी कैन से इट इज़ अ प्रोड्यूसर ऑफ द डेटा वो क्या कर रहा है सिंपली डेटा को प्रोड्यूसर कर रहा है ठीक है इट प्रोड्यूसेस अ मैसेज एंड पुश देम इन टू द ट्रांसपोर्ट लेयर वो मैसेज को प्रोड्यूस कर रहा है ले रहा है मैसेज को यूजर से डेटा ले रहा है ठीक है अप्लीकेशन लेयर क्या कर रहा है लेयर डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द यूजर एप्लीकेशन लेयर डायरेक्टली इंटरेक्ट होता है यूजर के साथ तो यूजर से डेटा ले रहा है यानी प्रोड्यूसर कर रहा है प्रोड्यूस कर रहा है डेटा को और सिंपली सेंड कर रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर को ठीक है द सेंडिंग ट्रांसपोर्ट लेयर हैज़ अ डबल रोल ठीक है इन बोथ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर अब यहाँ पे जो डायग्राम में देख सकते हो तो ट्रांसपोर्ट लेयर का जो वर्क है वो क्या है डबल रोल यहाँ पे ऐसा होता है एक तो वो कंज्यूमर भी है मतलब अपलिकेशन लेयर के जो डेटा सेंड किया था वो उसने कंज्यूम किया और एज वेल एज़ प्रोड्यूसर भी है प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है कि प्रोड्यूसर इट कंज्यूम मैसेज पुस्ड बाय द प्रोड्यूसर इट इनकेप्सुलेट द मैसेज इन पैकेट एंड पुश नेम इन टू द रिसीविंग ट्रांसपोर्ट लेयर वो मैसेज जो भी आता है वो जो भी डेटा आता है उसको सेगमेंट में कन्वर्ट करके उसको वो जो भी सेगमेंट रहेगी या जो भी पैकेट रहेगा उसको क्या करता है वो इनकेप्सुलेट करता है इन द हेडर अपने हेडर में उसको इनकेप्सुलेट करता है एंड पुश देम टू द रिसीविंग ट्रांसपोर्ट लेयर देखिए अब यहाँ पे मैंने नंबरिंग बताया है कि वो कहाँ पे पुशिंग करता है सेगमेंट जो भी रहेगी पैकेट की जो सेगमेंट रहेगी उसको पुश पैक करता है टू द रिसीविंग साइड के ट्रांसपोर्ट लेयर में ठीक है रिसीविंग साइड के ट्रांसपोर्ट लेयर में सेंड करने के बाद एट द रिसीविंग ट्रांसपोर्ट लेयर ऑल्सो मे परफॉर्म द टू रोल ठीक है उसने जो आ, सेंडिंग के ट्रांसपोर्ट लेयर ने जो डेटा सेंड किया था जो सेगमेंट सेंड की थी उसको उसने कंज्यूम किया उसने मतलब यूज़ किया कंज्यूम किया एंड प्रोड्यूसर अब प्रोड्यूसर का यहाँ पे क्या होता है इट रिसीव फ्रॉम द सेंडर इट ऑल्सो प्रोड्यूसर इट नीड्स टू डिकैप्सुलेट द मैसेज वो क्या करता है जो मैसेज को इनकेप्सुलेटेड किया था ट्रांसपोर्ट लेयर ने सेंडिंग साइड के उस मैसेज को ये क्या करता है उस सेगमेंट को ये क्या करता है डिकैप्सुलेट करता है एंड डिलीवर टू द अप्लीकेशन लेयर और अप्लीकेशन लेयर को क्या कर देता है वो पैकेट को जो भी डेटा होता है मैसेज आर पुल्ड

यहाँ पे जो होता है लास्ट डिलीवरी में क्या होता है कि इस पुलिंग डिलीवरी ट्रांसपोर्ट लेयर वेट अनटिल द एप्लीकेशन लेयर प्रोसेसेस एंड आस पात्र जब तक तो उसको डेटा को प्रोसेस नहीं करेगी वो अपने बफर में स्टोर करेगा जो भी डेटा रहेगा वो अपने बफर में स्टोर करेगा जब वो एप्लीकेशन लेयर उसको डेटा के बारे में इंक्वायरी करेगी आस्किंग फॉर दैट डेटा एंड वेन द एप्लीकेशन लेयर इज फ्री फॉर रिसीविंग दैट डेटा एट दैट टाइम द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड द डेटा टू द एप्लीकेशन लेयर ठीक है वो मैसेज को तभी पुल करेगा जब एप्लीकेशन लेयर उसको रिक्वेस्ट करेगी ठीक है कि अभी मैं फ्री हूँ आप मुझे डेटा सेंड कर सकते हो तभी वो अपने बफर से डेटा लेगा और वो सेंड कर देगा किसी को रिसीवर को ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है कि इस तरह से हम डेटा को क्या करते हैं ट्रांसफ़र करते हैं सेंडिंग साइड टू तो रिसीविंग साइड ठीक है और एज वेल एज़ जब रिसीवर डेटा रिसीव करेगा तो वो क्या करेगा डेटा रिसीव करने के बाद वो वो फीडबैक सेंड करता है ठीक है फ्लो कंट्रोल फीडबैक सेंड करता है इट मीन्स दैट कि मुझे इट नथिंग मोटा एक्नोलेजमेंट सेंड करेगा कि आपने मुझे जो डेटा भेजा था वो मुझे मिल गया है और मेरा विंडो साइज इतना है ठीक है जिसके कारण क्या हो जाएगा कि हमें पता चलेगा कि अगर मुझे फिर से अगर डेटा सेंड करना है अगर रिसीविंग साइड को तो मैं कितना डेटा सेंड कर सकती हूँ जिसके कारण यहाँ पे फ्लो कंट्रोल प्रॉपर मेंटेन होगा फ्लो कंट्रोल के लिए हमें कैपेसिटी पता होनी चाहिए कि इतनी कैपेसिटी अगर रिसीवर की है तो मुझे उतना ही डेटा सेंड करना है ताकि मैं कंट्रोल फ़्लो को कंट्रोल कर सकूँ ठीक है तो इस तरह से फ्लो कंट्रोल होता है टीसीपी में कि रिसीविंग की कैपेसिटी कितनी है वो पहले हमें फाइंड करना है ठीक है वो कितनी स्पीड में डेटा रिसीव कर सकता है उतने ही स्पीड में उतने ही साइज का उतने ही बाइट्स का डेटा हम रिसीवर को सेंड करेंगे सो हियर दैट्स वाई टी इज़ अ फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल वो फ्लो के कंट्रोल को मतलब फ्लो जो भी हो डेटा के उसको कंट्रोल करता है क्योंकि ये यह यहाँ पर हर एक सेगमेंट में वो अपनी विंडो साइज को एडवर्टाइज़ करता है ठीक है टी के थ्रू अगर हम करते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करते कम्युनिकेशन करते तो वो अपना विंडो से एडवर्टाइज़ करता है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि रिसीवर कितना डेटा एक्सेप्ट कर सकता है उसकी स्पीड कितनी है उतने ही स्पीड से हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं ना कि बहुत ही फास्ट ठीक है सो इन दिस वे वी परफॉर्म द फ्लो कंट्रोल इन टी सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो थैंक यू